हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम लोग शेप टूल का यूज कैसे करेंगे। मैक्सिमम शेप टूल में 2D वर्क आएगा, लेकिन बाद में ये 3D भी आप इसको बना सकते हो, लाइक लाइन टूल, रेक्टेंगुलर टूल एंड सो ऑन। तो इसमें हम लोग सीखने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इससे पहले हम लोग ने 3D सीखा था और 3D में बहुत सारे ऑप्शन हम लोग ने यहाँ यूज किए थे, लेकिन अभी 2D वर्क में हम लोग कुछ शेप सीखना चाहते हैं जिसको हम लोग स्प्लाइन बोला जाएगा। और स्प्लाइन में हम लोग सबसे पहला लेते हैं लाइन टूल। लाइन टूल को टॉप व्यू में हम लोग कौन से भी फर्स्ट पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले सकते हैं। जब लाइन टूल आप ड्रॉ करोगे तो कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करके अगर रखोगे तो लीनियर में ये लाइन टूल आपकी आ जाएगी। वंस अगेन क्या करना होगा आपको, ग्रिड लाइन हटा देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करके रखना होगा और आपको आगे जाना होगा, ठीक है, स्केल। अब यहाँ पे अगर कोई लाइन को आप सीधा अगर टेढ़ा भी लेते हो तो वो भी ले सकते हो, और यहाँ से अगर बटन दबा के ऐसा रोट करके रखते हो तो यहाँ पे देखो रोट भी कर सकते हो आप ऐसा, ठीक है। क्या करना होगा, माउस का आपको बटन होल्ड करके रखना होगा। सिलेक्ट कर देता हूँ, मूव टूल से सिलेक्ट एंड लाइन टूल, बटन होल्ड करके रखना है ऐसा, एंड देन आपको राउंड लेना है। अगर आपको हाफ राउंड या कोई भी शेप आपको अगर बनाना है इसमें तो आप बना सकते हो, ठीक है। अगर इसी लाइन को आप एक्सट्रूड करना चाहते हो तो यहाँ जाएंगे आप और यहाँ से एक्सट्रूड भी कर सकते हो ड्रॉप डाउन लिस्ट में, ई एक्स आ गया एक्सट्रूड, लेकिन ये लाइन एक्सट्रूड हो जाएगा देखो। लेकिन इससे इजी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही आप लाइन टूल यूज करते हो यहाँ पे कीबोर्ड पे शिफ्ट बटन प्रेस करोगे तो सीधी लाइन आ जाएगी। अगर इसमें अगर सबसे पहले यहाँ पे आप लाइन टूल लेते हो तो यहाँ पहला वाला ऑप्शन होता है रेंडर। अगर आप यहाँ पे रेंडर करते हो तो इस लाइन को देखो किस तरीके से आप यहाँ पे प्रीव्यू कर पाओगे। जैसे कि विदाउट रेंडर का अगर आप देखोगे तो सिर्फ लाइन दिखेगी ये, अगर विद रेंडर के साथ इसको यूज करोगे तो आपको यहाँ पे रेडियल रेंडर दिखेगा आपको, जो कि गोल राउंड में आपको यहाँ पे विद साइज में दिखाई देगा, है। थिकनेस हम लोग रेडियस की बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर भी ले सकते हो कि आप अगर रेक्टेंगुलर यहाँ लेना चाहते हो तो रेक्टेंगुलर भी यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमें ये रेंडर यूज नहीं करना है तो हटा देता हूँ और सबसे पहले जाता हूँ लाइन टूल पे। जैसे हम लाइन टूल पे कोई लाइन लेते हैं, सपोज ये लाइन लेते हैं और इसके प्रॉपर्टी में हम जाते हैं तो यहाँ पे लाइन टूल दिखेगा, उसमें वर्टेक्स दिखेगा। वर्टेक्स यानी कि एक पॉइंट जो इसके अंदर है वो आप सिलेक्ट कर सकोगे। मैं इन सबको सिलेक्ट करके फिर से अल्ट डब्ल्यू प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ, कौन से टूल से, शेप टूल से। मैं ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से नीचे और यहाँ तक बना देता हूँ। मैं ग्रिड लाइन से ग्रिड हटा देता हूँ, ठीक है। मैं टॉप व्यू में जाके एक लाइन बना देता हूँ पहले, ठीक है, और स्केप दबा देता हूँ। अब इसके प्रॉपर्टी में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो तीन ऑप्शन दिखेंगे जो कि यहाँ पे भी दिख रहे हैं, वर्टेक्स, सेगमेंट और स्प्लाइन। मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ अल्ट डब्ल्यू प्रेस करते हुए अगर सेगमेंट पे क्लिक करूंगा तो इसकी सेगमेंट देखो हमें यहाँ मूव करने मिल जाएगा, यहाँ सेगमेंट सॉरी वर्टेक्स पे। आप वर्टेक्स से एक पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और दूसरा है सेगमेंट, एक सेगमेंट पूरी आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, और दूसरा है स्प्लाइन, स्प्लाइन से पूरी लाइन ही सिलेक्ट होगी। जब आप वर्टेक्स पे जाओगे तो यहाँ पे आप पूरा पॉइंट सिलेक्ट करोगे और उसके बाद यहाँ के कुछ टूल भी यूज कर सकते हो आप। जैसे कि मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ से बहुत सारे टूल्स है, जैसे कि मैं पहले रिफाइन टूल यूज कर सकता हूँ, कनेक्ट टूल यूज कर सकता हूँ, अटैच, लेकिन फिलहाल मैं इसमें जो यूज करूंगा टूल वो है फिलेट। मैं फिलेट के आगे ये पॉइंट है उसको क्लिक करूंगा तो ये राउंड हो जाएगा, देखो है राउंड हो गया। अगर मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट कर देता हूँ नीचे वाले, अगर चैम्फर करना चाहता हूँ तो देखो चैम्फर भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब टूल हम लोग इस सेगमेंट में यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। दूसरा है यहाँ पे कौन सा, सेगमेंट। सेगमेंट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या क्या टूल यूज कर सकता हूँ, तो सेगमेंट में जाने के बाद मैं यहाँ टूल यूज कर सकता हूँ जिसका नाम है यहाँ क्या, ओहो डिवाइड नहीं यूज कर सकता हूँ, नहीं सेगमेंट पे नहीं यूज हो रहा है, स्प्लाइन पे यूज करूंगा। तो यहाँ पे जैसे मैं स्प्लाइन पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ डबल लाइन यहाँ यूज करने को मिलेगा, देखो ये लाइन डबल हो गई, देखो
विदाउट स्प्लाइन का अगर पहले पहले आप लाइन ही सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे डबल, वर्टेक्स पे जाओगे तो ये हट जाएगा, स्प्लाइन पे जाओगे तो ये दिखाई देगा, देखो डबल लाइन हो चुका है। अगर इसको मिरर करना चाहते हो तो आप मिरर भी कर सकते हो यहाँ पे, है ठीक है। और ट्रिम करना चाहते हो या आप इसमें चेंजेस करना चाहते हो, कुछ सब्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो वो भी है, लेकिन फिलहाल मैं स्प्लाइन वर्टेक्स का एक बेसिक यूज यहाँ पे बता दिया है ताकि आप कोई भी टूल में ये लाइन टूल का यूज कर सकें। मैं अल्ट डब्ल्यू होते हुए यहाँ पे ये लाइन डिलीट कर देता हूँ। लाइन टूल यूज करने के बाद हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर को भी आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हो। रेक्टेंगुलर के प्रॉपर्टी में जाने के बाद आप इसकी साइज भी ले सकते हो, देखो कुछ इस तरीके की साइज आप ले सकते हो, लेंथ विड्थ। और सबसे खास बात इसमें ऐसी एक खास बात जो कि आप इसके कॉर्नर राउंड कर सकते हो। क्या करना है आपको यहाँ पे, कॉर्नर राउंड करने हैं। देखो यहाँ पे कॉर्नर, देखो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि आप कॉर्नर राउंड कर सकते हो अगर आपको कुछ काम करना है तो, ठीक है। फिर इसके अंदर अगर आप इसके 3D में जाओगे तो कॉर्नर हाइट विड तो है, लेकिन यहाँ पे रेंडरिंग पे आप फिर से इसको रेंडर भी कर सकते हो। देखो रेंडर हो चुका है, राउंड में चाहिए आपको या आपको किस में, रेक्टेंगुलर में चाहिए, तो फिलहाल मैं ये नहीं लेता हूँ क्लिक। अब दूसरा देखता हूँ इसमें कि इसमें कुछ स्टेप है लेकिन ये आगे रहेगी, हमें इसको भी हटा देता हूँ। फिर से पैरामीटर में तो आपको मैंने बता दिया है, देन नेक्स्ट आएगा हमारे पास कौन सा, सर्कल। मैं यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ। अब सर्कल बनने के बाद मैं सबसे पहले इसके कहाँ जाता हूँ, मॉडिफाई में। अब सर्कल में आने के बाद इसको तो मैं सिर्फ रेडियस चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। अब यहाँ जाने के बाद इसके अगर मैं पैरामीटर रेंडर कर देता हूँ यहाँ रेंडर के ऊपर, तो आप रेंडर भी कर सकते हो यहाँ पे। इसके सेगमेंट बनाने हैं, साइड बढ़ानी है आपको, तो यहाँ पे आप साइड भी बढ़ा सकते हो, सेगमेंट भी दे सकते हो, थिकनेस भी दे सकते हो, ये सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है रेक्टेंगुलर। अब दूसरा क्या है, यहाँ सर्कल के बाद आपके पास आता है इलिप्स, तो मैं इलिप्स ले लेता हूँ। इलिप्स ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम लोग ने हमारे सेटिंग में क्या कर दिया, रेंडर हटाया नहीं है। मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इस सबको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ लेता हूँ इलिप्स। मैं इलिप्स ऐड कर दूंगा, पहले तो इसको अल्ट डब्लू करते हुए मैं इलिप्स ऐड कर दूंगा। देखो आपको इलिप्स दिख रहा होगा यहाँ पे, है अब इसमें भी हम लोग बहुत सारे ऑप्शन कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे सर्कल को बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे लेंथ और विड्थ देनी है तो वो भी दे सकता हूँ। आउटलाइन में अगर चेंजेस करना है तो आउटलाइन भी दे सकता हूँ। देखो इसकी आउटलाइन हमारी बढ़ती जा रही है, देखो बढ़ गई आउटलाइन। अगर आपको आउटलाइन बढ़ानी है तो यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। कहाँ पे गया मैं, यहाँ पे इलिप्स, ठीक है। अब दूसरा है यहाँ पे कौन सा, आर्क। अगर मैं आर्क इलिप्स में अगर जाओगे आप, तो पहला सर्कल उठा के दूसरा सर्कल भी आप ले सकते हो इस तरीके से, देखो आया पहला और दूसरा। दूसरा क्या है यहाँ पे, आर्क। अगर आर्क लेना चाहते हो तो यहां से फर्स्ट लाइन, सेकंड पॉइंट और आर्क, कैसे करना है बताइए। आर्क पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट पॉइंट, होल्ड द फर्स्ट पॉइंट, बटन छोड़ना ही नहीं है, बटन दबा के ही रखना है और दूसरे पॉइंट पे जाना है और आपको आर्क लेना होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर से दूसरे पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखा है डोनट, मैं क्लिक कर देता हूँ डोनट पे। अब देखो अंदर भी आ रहा है बाहर भी आ रहा है, सेम इलिप्स के जैसा ही है। इलिप्स भी उसी तरीके से यूज करेगा, लेकिन आप किसी भी एंगल में कर सकते हो इलिप्स को, इसको डोनट को डायरेक्टली आप एक ही एंगल में कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा है एनगॉन, अगर एनगॉन लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, लाइक पॉलीगॉन के जैसा। अगर इसके प्रॉपर्टी में जाओगे तो इसकी रेडियस आपको चाहिए उतनी मिल जाएगी, इसके साइड अगर आपको चाहिए तो वो भी बढ़ के मिल जाएंगे यहाँ पे, लेकिन मैं तो चाहता हूँ इसमें 6 ही साइड आए। और यहाँ पे अगर इस साइड के अंदर अगर कुछ आपको रेडियस भी चाहिए तो वो भी यहाँ मिल जाएंगे। तो फिर से मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूँ, अल्ट डब्लू, ग्रिड ऐड कर देता हूँ, जेड ग्रिड ऐड। और यहाँ से मैं कौन सा टूल यूज करना चाहता हूँ, एनगॉन, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसके प्रॉपर्टी में जाता हूँ तो यहाँ से इसकी रेडियस तो है ही, लेकिन यहाँ पे इसकी अगर सर्कल लेना चाहता हूँ रेडियस में, तो आप एज यू सी कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं राइट क्लिक करके कॉर्नर हटा देता हूँ,
तो कॉर्नर के रेडियस आपको शार्प दिखाई देंगे, देखो यहाँ पे है, ठीक है। तो आप ये भी एक ऑप्शन इसमें ऐड हो जाता है हमारे। फिर से जाता हूँ कौन से टूल में, स्टार। तो मैं यहाँ स्टार यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। और स्टार में भी देखो हमारे बहुत सारे पॉइंट है, अगर स्टार कैसे लेना है हमें, उसके बाद सेकंड रेडियस कैसे लेना है इसका, पॉइंट्स कितने चाहिए स्टार में, ये भी हम यहाँ से ले सकते हैं। और उसके कनेक्शन कैसे चाहिए आपको, अगर गोल घुमाना है कैसे घुमाना है, उस तरीके से आप 3D करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर इसको फिलेट करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो राउंडेड फिलेट हो रहा है, हमारा जो शार्प कॉर्नर था वो फिलेट हो रहा है। अगर हमें अंदर का कॉर्नर फिलेट करना है तो वो भी कर सकते हैं हम लोग इसको, तो वो भी हो रहा है। अगर इसको 3D करना चाहते हो तो मूव टूल पे जाना होगा और प्रॉपर्टी में ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ई एक्स प्रेस कर देता हूँ मैं, यानी कि एक्सट्रूड। अगर इसको 3D करना है तो 3D भी आप कर सकते हो, देखो अल्ट डब्ल्यू प्रेस करते हुए मैं यहाँ चला जाता हूँ, सिलेक्ट और जूम ऑल है, तो यहाँ पे आप 3D भी कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं 3D नहीं सिखाऊंगा आपको, मैं यहाँ जाता हूँ टॉप व्यू में और यहाँ से अल्ट डब्ल्यू प्रेस करते हुए आगे के टूल लेता हूँ, कहाँ से, शेप में से। अब दूसरा स्टार के बाद मैं टेक्स्ट लेता हूँ, तो इससे पहले मैंने वैसे टेक्स्ट तो बता दिया है, लेकिन यहाँ पे भी आकर आपको टेक्स्ट लेना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या करिए, टेक्स्ट पे जाइए और यहाँ पे आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हो कि लाइक मुझे परफेक्ट टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पे इसकी फॉन्ट्स वगैरह साइज ये सब कुछ ले सकते हो और यहाँ पे क्लिक कर देते हो। आफ्टर दैट अगर इसको 3D करना है तो वही है, एक्सट्रूड में जाके आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से 3D कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, हेलिक्स। हेलिक्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक हेलिक्स बन के आ जाएगा आपको, लेकिन ये हेलिक्स आपको यहाँ नहीं दिखेगा, आपको जाना होगा, ये बाकी का सब डिलीट कर देता हूं मैं, ग्रिड लाइन। अब यहाँ हेलिक्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे बटन होल्ड करके मैं एक हेलिक्स ले लेता हूँ और फिर से ऊपर ले लेता हूं मैं, एंड देन सेकंड रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हेलिक्स पे जाता हूं तो यहाँ नीचे क्लिक लिख के आता है, क्लिक एंड ड्रैग टू बिगेन टू क्रिएट अ प्रोसेस। इसमें क्लिक करने के बाद हेलिक्स पे आपको अगर ड्रैग करना है तो ऊपर एक स्प्रिंग के जैसा एक बन के आ जाएगा, देखो यहाँ पे। अगर इसकी ही आप चेंजेस देखना चाहते हो तो यहाँ इसके प्रॉपर्टी में जाइए और हेलिक्स का रेडियस फर्स्ट, यानी कि नीचे वाला रेडियस कैसा रहेगा, ऊपर वाला रेडियस कैसा रहेगा, मैं इसको अल्ट डब्ल्यू करके दिखा देता हूँ आपको, एंड देन इसके टर्न्स कितने रहेंगे, देखो है। आपको अल्ट डब्ल्यू करके हर एक व्यू में देखना चाहता है चाहते हो आप, तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से हम लोग ने टर्न्स अगर जीरो कर दिए तो ये जीरो दिखाई देगा, टर्न्स अगर घुमा दिए तो ये घूम जाएगा। अगर इसकी हाइट विड्थ आपको देनी है तो यहाँ से उसकी हाइट विड्थ दे सकते हो आप, और इसका बेस कितना चाहिए वो भी दे सकते हो आप, और इसको किस डायरेक्शन में आपको चाहिए वो भी दे सकते हो आप। तो टर्न्स मुझे तो फिलहाल एक ही चाहिए, तो इस तरीके का ये हेलिक्स दिखाई देगा। अब हेलिक्स स्प्रिंग के जैसा कैसे दिखाई देगा, इसके लिए मैं इसकी हाइट भी बढ़ा देता हूँ और इसको मैं आपको 3D करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ प्रॉपर्टी में जाना होगा, रेंडर पे जाते हुए मैं यहाँ पे इसको 3D कर देता हूँ। तो देखो आपका हेलिक्स कुछ 3D में दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ इसके टर्न्स बढ़ा देता हूँ और इसकी हाइट भी बढ़ा देता हूँ, तो क्या दिख रहा है आपको बताइए, एक स्प्रिंग दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये है हेलिक्स, मैं इसका रेंडर निकाल देता हूँ, तो ये हेलिक्स आप निकाल सकते हो। देन हेलिक्स के बाद आता है आपके पास एग, देखते हैं एग क्या है। एग के आकार का एक शेप आप बना सकते हो इसमें, और सेक्शन हम लोग इसके बाद लेने वाले आगे, जो कि हम लोग कट सेक्शन इसमें या सेक्शन इसमें ऐड करेंगे, लेकिन फिलहाल एग तक ही हम लोग ने पूरे टूल ले चुके हैं और इसी तरीके से आगे के टूल लेंगे। अब ये जो सेप है पूरे, इसके ऊपर और क्या कर सकते हो आप, जैसे कि मैं जूम कर देता हूँ अल्ट डब्ल्यू, जैसे कि इसमें आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आप लाइन के जरिए बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो, निकाल सकते हो,